नमस्कार साथियों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हमें अभी तक दो चैप्टर खत्म कर चुके हैं। और याद रखिए, अगर दोनों चैप्टर नहीं आपने देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट सूची में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए। तीसरा चैप्टर है हमारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा। उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही भारतीय राजनीति एवं शासन सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिना भारतीय इतिहास की कल्पना अधूरी है। इलाहाबाद, आगरा, फतेहपुर सीकरी, कन्नौज आदि विभिन्न कालों में विभिन्न राजाओं की राजधानी रहा है। इन प्रदेश के निवासियों ने सदैव ही कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। उत्तर प्रदेश की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका रही। 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही है, जिसमें भारतीय इतिहास काफी प्रभावित हुआ तथा भारतीय आजादी के मार्ग प्रशस्त हुए। उत्तर प्रदेश ने सन 1857 में विद्रोह की शुरुआत मेरठ से की थी। इस आंदोलन के माध्यम से आज़ादी की क्रांति की जो बिगुल बजा उसमें योगदान हेतु उत्तर प्रदेश की समस्त जनता उत्साहित थी। उत्तर प्रदेश की जनता अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक शोषण नीति से पहले से ही दुखी थी। बाद में अंग्रेजों द्वारा देश की राजनीति में हस्तक्षेप करना आरंभ कर दिया। 1840 से 1853 में मध्य झांसी, जालौन, हमीरपुर राजा के बिना उत्तराधिकारी घोषित किए मृत्यु हो गई। तब डलहौजी की विलय नीति के अनुसार उनके साथ भी ईस्ट इंडिया कंपनी में सम्मिलित कर लिए गए, जिससे स्थानीय जनता में काफी रोष व्याप्त हुआ। जब 1856 में अवध को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया, तब उत्तर प्रदेश में उमड़े जन आक्रोश ने विस्फोटक रूप ले लिया। जिसकी परिणति सर्वप्रथम 10 मई 1857 में मेरठ में हुई थी से हुई। जब अंग्रेजी सेना सर्वप्रथम सैनिक महाविद्रोह आरंभ हो गया, तो बाद में यह सैनिक विद्रोह सने सने प्रदेश के साथ के झांसी, कालपी, कानपुर, लखनऊ, बिठोर, अवध, वाराणसी, बलिया, आजमगढ़ आदि स्थानों में फैल गया। 23 मई कब 23 मई इटावा मैनपुरी, 25 मई रुड़की वर्तमान उत्तराखंड में, 27 मई को एटा, 30 मई को मथुरा एवं लखनऊ में, 21 मई को बरेली एवं शाहजहांपुर में, और 1 जून को मुरादाबाद व बदायूं, 3 जून को आजमगढ़ सीतापुर, 4 जून को जालौन, मोहसमदी, वाराणसी एवं कानपुर, 6 जून को झांसी व इलाहाबाद, और 7 जून को फैजाबाद, 9 जून को दरियाबाद एवं फतेहपुर, 18 जून को फतेहगढ़, 1 जुलाई को हाथरस आदि स्थानों पर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेजी सेना द्वारा भी विद्रोह के दमन का यथासंभव प्रयास किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में अनेक वीर स्वतंत्रता सेनानियों का उदय हुआ, जिसमें झांसी की लक्ष्मीबाई, बिठूर के नाना साहब एवं तात्या टोपे एवं उनके सहायक अजी मुल्ला खां, अवध की बेगम राणा बेनी माधव एवं मौलवी अहमदुल्ला साय आदि प्रमुख थे। आगे बात करते हैं। यद्यपि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी, लेकिन इस विद्रोह का सर्वाधिक बड़ा केंद्र कानपुर बना, जहां नाना साहब के दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। तब धोंधू पंत के नेतृत्व में नाना साहब एवं उनके दत्तक पुत्र बाजीराव द्वितीय, तात्या टोपे आदि ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कानपुर में अंग्रेज अफसर को मार दिया। 4 से 25 मई 1857 तक चले इस संघर्ष में नाना साहब की सेना विजयी हुई। 30 जून 1857 को उन्हें बिठूर का पेशवा बना दिया गया। कानपुर के बाद यह संघर्ष प्रदेश के दक्षिण में स्थित झांसी में पहुंच गया है, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया विद्रोह का। 5 से 8 जून के मध्य यह संग्राम पूरे झांसी में फैल गया। अंग्रेजी अफसरों पर हिंसक हमले हुए। झांसी से यह संग्राम बरेली पहुंचा, जहां रोहिला शासक खान बहादुर खान के नेतृत्व में शुरू हुआ।
जिन्होंने अंग्रेजी सेना को हराकर स्वयं को वहां का शासक घोषित कर दिया। लगभग एक वर्ष रोहिलखंड अंग्रेजी शासन से मुक्त रहा। 8 जून 1857 को फतेहपुर छावनी में हुए विद्रोह के उपरांत नवाब तफजुल हुसैन खान ने स्वयं को फरुखाबाद का शासक घोषित किया। मई माह में अवध अपेक्षा के शांत रहा, लेकिन माह के अंतिम दिन यहाँ भी विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसके फलस्वरूप अवध में उपस्थित अफसरों अंग्रेज अफसरों को भागना पड़ा। इस विद्रोह का प्रारंभ तब हुआ जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह की मृत्यु के बाद उनकी विधवा रानी बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का शासक घोषित कर दिया। उनके जमींदारों तथा ताल्लुकदारों ने इस समारोह में भाग लिया, परंतु अंग्रेजों ने डलहौजी के द्वारा प्रतिपादित विलयीकरण की नीति के अंतर्गत अवध को अपने अधीन कर लिया तथा उन्हें अपनी रेजिडेंसी घोषित कर वहां पर अंग्रेज रेजिडेंसी अफसर की नियुक्ति कर दी। ऐसी स्थिति में अवध की रानी तथा जनता में रोष फैलना स्वाभाविक था। फलस्वरूप 30 जून 1857 को अंग्रेजों के विरुद्ध जहाँ पर भी विद्रोह प्रारंभ हो गया। अवध शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित चिनाहट में अंग्रेजी रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने इस विद्रोह को हराने का प्रयास किया, लेकिन अवध की बेगम हजरत महल एवं फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्रामियों ने अंग्रेजी सेना को हरा कर दिया। रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को वापस लौटना पड़ा। इस स्थिति को देखकर इलाहाबाद से जनरल हेवलॉक को हेनरी लॉरेंस की मदद के लिए भेजा गया, लेकिन अपने प्रथम प्रयास में वह असफल रहा। जुलाई अगस्त में अवध अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर रहा, लेकिन 25 सितंबर 1857 को जनरल हेवलॉक एवं आउट्रम ने पुनः अवध पर अधिकार कर लिया। अंततः 6 दिसंबर 1857 को सर कॉलिन कैंपवेल के निर्देशन में अवध का पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया अवध पर। जब नाना साहब के चचेरे भाई राव साहब एवं तात्या टोपे को अंग्रेजों ने हरा दिया, इसी माह में फतेहपुर पर भी अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। वर्ष 1858 के आरंभ में ही अंग्रेजों ने नेपाल से गोरखाओं को युद्ध हेतु भारत भेजना आरंभ कर दिया तथा लखनऊ पर आक्रमण कर गोरखा सेना की मदद से 21 मार्च 1858 हो गया, ठीक है, को उस पर पूर्ण रूप से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। विद्रोहियों की सेनाओं को अवध की ओर खदेड़ दिया गया। जब अंग्रेजों ने अवध, लखनऊ, फतेहगढ़, कानपुर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, तब उन्होंने प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित झांसी की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि सन 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मी राय ने अंग्रेजी सेना को का जमकर सामना किया था। अपनी वीरता एवं कुशल नेतृत्व के बल पर अंग्रेजों को उस क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया था। 1 अप्रैल 1858 को सर ह्यूम रोज के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज ने तात्या टोपे को हरा दिया। 7 मई 1858 को बरेली एवं रोहिलखंड पर भी अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। हालांकि उन्हें इन स्थानों को हस्तगत करने में मोहम्मदी के मौलवी अहमद उल्लाह के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा था, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम लोग 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं के बारे में, ठीक है। लखनऊ बेगम हजरत महल नेतृत्व करता थी, कानपुर नाना साहब, बरेली खान बहादुर खान, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लियाकत अली, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला कालपी तात्या टोपे, मथुरा देवी सिंह, मेरठ कदम सिंह। याद रखना है आपको, ये कभी कभी पूछ लेता है कई बार,
ठीक है, कई परीक्षाओं में केंद्र और नेतृत्वकर्ता तो आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, जब स्वतंत्रता संग्रामियों की हर जगह पर पराजय होने लगी तो उनकी सेना एवं हथियारों को भी काफ़ी क्षति पहुंची तथा ब्रिटिश फौजों ने से संगठित होकर विद्रोह को दबाना शुरू कर दिया। तब विद्रोहियों ने गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की तथा जंगलों में छिपकर आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी अफसरों पर आक्रमण करने लगी। 1 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। इसे दबाने हेतु कालपी से सर ह्यूरोज को आना पड़ा। रानी ने काफ़ी वीरता से ब्रिटिश फौजों का सामना किया। अंततः युद्ध में लड़ते हुए 17 जून को वह वीरगति को प्राप्त हो गई। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक वीर योद्धा एवं कुशल सेनापति का अंत हो गया, जिससे सन 1857 के विद्रोह को दमाने में अंग्रेजों को काफ़ी मदद प्राप्त हुई। विद्रोह के अन्य कर्णधार बेगम हजरत महल, नाना साहब, बाला साहब ब्रिटिश फौजों का सामना ना कर पाए और नेपाल की सीमा के पास छिप गए, जहां लॉर्ड क्लाइड के नेतृत्व में ब्रिटिश फौजों ने उन्हें नेपाल की सीमा में शरण लेने हेतु मजबूर कर दिया। फिर भी इन स्वतंत्रता सेनानियों का उत्साह अपूर्व था तथा उनके संघर्ष ने अंग्रेजी सेना को पुनः संगठित करने की ओर एकाएक ब्रिटिश शासकों का ध्यान आकर्षित किया। 30 दिसंबर 1858 तक फरुखाबाद के नवाब तफजुल हुसैन, मेहंदी हसन आदि की सेनाओं ने ब्रिटिश फौजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उपयुक्त सभी विद्रोह से अलग हटकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह द्वारा किया गया विद्रोह था, जब उसने 26 मार्च 1858 को ब्रिटिश कर्नल मिलबेन को आजमगढ़ में हराकर मिर्जापुर, बांदा, आजमगढ़ आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर अपना कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह की वीरता एवं कुशल युद्ध कौशल का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वह अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ 15 अप्रैल तक ब्रिटिश फौजों से जमकर टक्कर लेता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंग्रेजों ने से लड़ते लड़ते कुंवर सिंह 9 मई 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गए। तब कहीं जाकर अंग्रेज इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा पाए। इसके साथ ही स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम का अंत हो गया। इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में अमूल परिवर्तन किए। जिन लोगों ने विद्रोह को दबाने में सरकार का साथ उन्हें सैनिक तथा अन्य सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। शासन का पुनः संगठन किया गया। सन 1861 में सागर एवं नर्मदा के जिलों को उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। धीरे धीरे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ को भी पृथक कर दिया गया। फिर बाकी बचे क्षेत्र को 1902 में पुनर्गठित कर आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। 1919 में इस प्रांत का शासक गवर्नर कहलाने लगा। इसके उपरांत इस संयुक्त प्रांत से आगरा, अवध नामों को हटाकर केवल संयुक्त प्रांत नाम ही रहने दिया। स्वतंत्रता आंदोलन का द्वितीय चरण 1857 में देश के विभिन्न भागों में संगठित असंगठित विद्रोह को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन का प्रथम चरण माना जाता है। इसके उपरांत इस दिशा में किए गए प्रयासों को इस आंदोलन का द्वितीय चरण माना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इस चरण में भी उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी परंपरा पहले की भांति कायम रही। इस चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी अधिकारी श्री ए ओ ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। श्री ह्यूम उस समय उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के कलेक्टर थे। कांग्रेस की स्थापना के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अधिकांश घटनाएं इसी के इर्द गिर्द संपन्न हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में प्रवेश से सम्मिलित होने वाले प्रमुख नेताओं में पंडित मदन मोहन मालवीय एवं अवध के निकट स्थित काला कांकर की रियासत के राजा रामपाल सिंह थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश में पंडित मोतीलाल नेहरू, मौलाना शौकत अली,
मौलाना मोहम्मद अली, तेज बहादुर सप्रू, पुरुषोत्तम दास टंडन, सी बाई चिंतामणि, गणेश शंकर विद्यार्थी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, आचार्य नरेंद्र देव, संपूर्णानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि आदि अनेक राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख नेताओं का उदय हुआ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जिन्होंने केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किए गए असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में इस प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1 जून 1920 को प्रदेश के हिंदू मुस्लिम नेताओं की एक बैठक इलाहाबाद में हुई, जिसमें केंद्रीय खिलाफत कमेटी द्वारा पारित असहयोग आंदोलन को चलाने जाने की पुष्टि की गई। इस सभा में महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, पंडित मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, बी सी पाल, सतमूर्ति महामना मदन मोहन मालवीय, राजगोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं चिंतामणि जैसे प्रसिद्ध नेताओं ने भाग लिया। इस प्रस्ताव के पारित होने के पश्चात देश भर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विभिन्न स्तर पर असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया, जिसका उद्देश्य शांतिपूर्ण विरोध कर अंग्रेजों को उनकी नीतियों के कारण जनसाधारण में उत्पन्न रोष से अवगत कराना था। यह असहयोग आंदोलन उस समय अपनी चरम स्थिति में पहुंच गया जब महात्मा गांधी ने 7,000 व्यक्तियों की मदद से गुजरात में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन तभी 5 फरवरी 1922 को प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चोरा नामक स्थान पर इस आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसमें आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे ब्रिटिश पुलिस के 22 अफसरों को अफसर एवं सिपाहियों की जान से मार दिया गया, इसमें जल गए। ठीक है, ऐसी स्थिति देखकर महात्मा गांधी ने आंदोलन को तुरंत स्थगित करने का निर्देश दिया, क्योंकि वे असहयोग आंदोलन को किसी भी स्थिति में हिंसक रूप धारण नहीं करने देना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय जनता द्वारा बड़े पैमाने पर किया गया यह संगठित अहिंसक आंदोलन तथा जिसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बन कर रहा था, फिर भी प्रदेश में कई स्थानों पर हिंसा की वारदात हुई, क्योंकि जनमानस में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। वह किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहती थी। रायबरेली, फैजाबाद जिले में जनता ने अविवेकपूर्ण ढंग से लगाए गए करों का विरोध किया, जमींदारों के विरुद्ध हिंसक व अहिंसक आंदोलन चलाया। 2 से 7 जनवरी के मध्य पुलिस व जनता के बीच मुंशीगंज जेल में संघर्ष हुआ, जिसमें 10,000 से अधिक स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने पुलिस से संघर्ष किया। इसके उपरांत वद्द खान में दंगा हुआ, जहाँ पर अनेक सिपाहियों को मार डाला गया। इसी आंदोलन के समय फैजाबाद के गोसाईगंज नामक स्थान पर हजारों लोगों ने रेलवे लाइन पर धरना दिया। इस पर पुलिस को गोली चलानी पड़ी। रायबरेली के आसपास इतनी अधिक उल्लेखनीय घटनाओं का कारण जमींदारों तथा तालुकेदारों द्वारा किसान एवं जनता का बुरी तरह शोषण किया जाना था। जनता किसी भी तरह इस जमींदारी व्यवस्था को बदलना चाहती थी। फैल स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई के नेतृत्व में इस प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कई बार बड़े आंदोलन किए गए। सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में इनकी काफ़ी जोर पकड़ लिया, लेकिन महात्मा गांधी एवं इरविन के मध्य हुए समझौते के उपरांत यह आंदोलन पुनः स्थापित कर दिया गया। सन 1930 के मध्य उत्तर प्रदेश के अनेक क्रांतिकारी नेताओं का उदय हुआ, जिनमें फलस्वरूप यह काकोरी कांड षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, मैनपुरी षड्यंत्र केस तथा बनारस षड्यंत्र केस आदि हुए। तत्कालीन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस को काफ़ी परेशान कर रखा। फलस्वरूप इलाहाबाद के निकट अल्फेड पार्क में, जिसे चंद्रशेखर पार्क भी बोलते हैं, मैं वीर चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस कप्तान नॉट बावर तथा पुलिस दल से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। ठीक है, महात्मा गांधी के
पिथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पिथम गोलमेज सम्मेलन में लंदन चले जाने के पश्चात, याद रखिए गांधी जी पिथम, यहाँ गलत छपा हुआ है, पिथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से किसी ने भाग नहीं लिया था, याद रखिए यहाँ द्वितीय है, ठीक। गांधी के द्वितीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन चले जाने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू एवं पुरुषोत्तम दास टंडन ने जनसाधारण एवं किसानों को विभिन्न ब्रिटिश कानूनों से हो रही परेशानियों से सरकार को अवगत कराया, लेकिन सरकार ने उनकी मांगें रद्द कर दीं। इस पर नेहरू जी ने अहिंसात्मक आंदोलन आरंभ कर दिया तथा ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। बाद में पिथम दूसरा है, ठीक है यार, कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हुए समझौते में इन्हें रिहा कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आरंभ किया गया द्वितीय किसान आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी सहयोग दिया, क्योंकि इस आंदोलन से प्रेरित होकर गरीब मजदूर कांग्रेस कांग्रेस के झंडे तले एकत्रित हो गए। फलस्वरूप सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रभावशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। प्रदेश के अधिकांश भागों में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, गाजीपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, जौनपुर, बनारस आदि जिलों में इस आंदोलन की व्यापकता काफ़ी बढ़ गई। बलिया जिले में चिट्टू पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई। बनारस स्थित हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने अपने स्वतंत्र शासन की घोषणा कर दी। धीरे धीरे यह आंदोलन पहाड़ी जिलों में फैलता गया, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी के साथ लखनऊ, कानपुर, फरुखाबाद आदि स्थानों पर फैल गया। इससे पूर्व सचिन सन्याल एवं राम प्रसाद बिस्मिल ने 25 अगस्त 1925 को काकोरी में रेल लूटकर सनसनी फैला दी, क्योंकि इस रेल में सरकारी कोष को ले जाया जा रहा था, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशनलाल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहड़ी आदि को इस मामले में गिरफ्तार किया गया काकोरी कांड में तथा फांसी पर लटका दिया गया। क्रांतिकारियों की श्रृंखला में राजा महेंद्र प्रताप, लाला हरदयाल, पंडित परमानंद, बटू केशव दत्त, विजय कुमार सिंघा, राजकुमार सिंघा जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने भी कानपुर एवं आगरा में रहकर क्रांतिकारी कार्यकलापों में की शुरुआत की। सन 1942 के उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन तीव्र गति पकड़ता गया, फलस्वरूप अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। 8 अगस्त 1946 प्रदेश की विधानसभा में जमींदारी प्रथा को हटाने के लिए समिति की घोषणा की गई है। क्योंकि इस प्रथा के खिलाफ जनसाधारण कांग्रेस के समर्थन में एकत्रित होकर आंदोलन हो गया था। 26 जनवरी 1951 को उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम को लागू होने पर इसका व्यापक स्वागत किया गया। उपयुक्त बर्डन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में किए गए 1857 के प्रथम आंदोलन से लेकर इसकी प्राप्ति तक प्रदेश की जनता ने अपना सक्रिय योगदान दिया। उत्तर प्रदेश से ने स्वतंत्र भारत के एक राज्य होते हुए अब तक देश को 13 में से 8 प्रधानमंत्री दिए। सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखना नरेंद्र मोदी बनारस से ही चुनकर आते हैं, ठीक है, सांसद क्षेत्र से, संसदीय क्षेत्र है बनारस मोदी जी का, ठीक है। साथ ही पीताम्बर दास, दीनदयाल उपाध्याय, राजेंद्र सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, गोविंद वल्लभ पंत, नारायण दत्त तिवारी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवती नंदन बहुगुणा, मुलायम सिंह यादव, मायावती जैसे राजनीतिक भी दिए उत्तर प्रदेश ने, जो देश की राष्ट्रीय
राजनीति में सक्रिय रूप से छाए गए। भारत में इतिहास में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1857 में हुए प्रथम युद्ध आंदोलन की शुरुआत कहाँ से? उत्तर प्रदेश से हुई थी। उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। कुमार सिंह 9 मई 1858 को वीरगति को प्राप्त हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के प्रयासों से हुई थी। रायबरेली फैजाबाद जिले में जनता ने अविवेकपूर्ण ढंग से लगाए गए करों का विरोध किया। सचिंद्र सान्याल एवं रामप्रसाद बिस्मिल ने 25 अगस्त 1925 को काकोरी में रेल लूटकर सनसनी फैला दी। सन 1942 के उपरांत भारत छोड़ो आंदोलन तीव्र गति पकड़ता गया। उत्तर प्रदेश ने अब तक देश के 9 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों को दिया। कौन कौन से? कि 8 प्लस नरेंद्र मोदी भी हैं इनमें शामिल। ठीक है, आपके 8 हम लोगों ने देख ही लिए, 8 ही हैं। ठीक है, और साथ में मोदी भी, मोदी का संसदीय क्षेत्र गुजरात है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग अब इसके प्रश्नों की, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय बरेली में इसका नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो याद रखना है आपको, खान बहादुर खान, पहले का डी है। 10 मई, दूसरा क्वेश्चन, 10 मई 1857 को भारत के महान विद्रोह का प्रारंभिक विस्फोट हुआ था? तो याद रखिए, मेरठ में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आपको याद रखना है, जॉर्ज यूले ने, प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अध्यक्षता करने वाले कांग्रेस की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था? तो याद रखना है, अवध एवं बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 5, बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने, कहाँ? तो याद रखिए, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए? याद रखना है, इलाहाबाद में। 6 का है सी। क्वेश्चन नंबर 7, बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? वहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना, रायबरेली के सैयद अहमद। क्वेश्चन नंबर 8, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को निम्नलिखित में से किस वर्ष ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? तो याद रखिए, 1856 में। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं की गई? तो याद रखना है, 9 का होगा सी, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 10, झांसी में 1857 के विद्रोह के नेता रानी लक्ष्मीबाई द्वारा किसके साथ मिलकर ग्वालियर पर आक्रमण किया था? तो तात्या टोपे, सी ऑप्शन है 10 का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, सम्मिलित करना है 1857 के क्रांति केंद्र और नेताएं, तो इसमें होगा लखनऊ, बेगम हजरत महल, बरेली, खान बहादुर खान, मथुरा, देवी सिंह, कालपी, तात्या टोपे। तो इसमें ए ऑप्शन होगा सही, 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तर प्रदेश 1937 में क्या नामकरण किया गया था उत्तर प्रदेश का? तो याद रखिए, संयुक्त प्रांत, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त प्रांत में 1937 में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी? तो याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत, ये ऑप्शन है सही। क्वेश्चन नंबर 14, किस ब्रिटिश अधिकारी द्वारा 21 मार्च 1558 को लखनऊ पर पुनः कब्जा कर किया गया था? तो याद रखना, कॉलिन कैंपवेल, सी ऑप्शन है 14 का सी है 15। 30 जून 1857 को नाना साहब को कहाँ पेशवा घोषित किया गया? बिठूर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस तिथि को वर्तमान उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया? तो याद रखना है आपको,
26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सेना ने मेरठ में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 17 में होगा हमारा बी, 10 मई 1857, 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखना बाजीराव द्वितीय, 18 का बी। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश निवासी किस सैनिक ने 19 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अकेले विद्रोह करते हुए सर्जेंट लेफ्टिनेंट हेनरी वैक की हत्या कर दी? तो याद रखना 19 का सी होगा, मंगल पांडे। 1899 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो याद रखना है लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 21, 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो याद रखिए मेरठ। क्वेश्चन नंबर 22, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना है आपको कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 23, काकोरी ट्रेन डकैती कब घटित हुई? 9 अगस्त 1925, 23 का होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? तो याद रखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना। क्वेश्चन नंबर 25, 1936 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है आपको 25 में हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू, 25 में डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कब शहीद हुए? तो याद रखिए 27 फरवरी 1931 को। क्वेश्चन नंबर 27, 1916 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिए अंबिका चंद मजूमदार, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए? तो याद रखना अल्फ्रेड पार्क, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कानपुर में कब आयोजित हुआ था? तो याद रखना दिसंबर 1925 में, ठीक 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30, अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन किस की अध्यक्षता में आगरा में संपन्न हुआ? तो 30 का होगा सी, मौलाना हजरत हसरत मुहानी की। 31 क्वेश्चन नंबर, 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है आचार्य जेबी किपलानी। क्वेश्चन नंबर 32, चोरा चोरी की घटना कब घटित हुई? तो याद रखिए 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1885 से 1947 के मध्य उत्तर प्रदेश में कितनी बार आयोजित हुआ? तो याद रखना है 9 बार, 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेनापति चुने गए थे? तो याद रखिए 34 का हमारा सी, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, लखनऊ के निकट सहारनपुर लखनऊ रेल लाइन पर 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में निम्नलिखित में से किसको फांसी की सजा नहीं दी गई थी? तो याद रखना है इसमें 35 में होगा ए, रामप्रसाद खत्री को, रामप्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, अशफाक उल्ला को, राजेंद्र लहरी को, 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी? तो 36 में होगा डी, बलिया। क्वेश्चन नंबर 37,
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय उत्तर प्रदेश के बलिया गाजीपुर जिले में किस नेता ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी? चित्तू पांडे, बी ऑप्शन होगा। 38 क्वेश्चन नंबर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी ऑप्शन होगा 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई थी? तो याद रखिए चित्तू पांडे के, बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी में किसानों एवं सत्याग्रहियों के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने की प्रतिक्रिया से क्रूर भीड़ ने यहाँ के थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। यह चोरी चोरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? स्थित है गोरखपुर में, बी ऑप्शन है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41, किस प्रथम भारतीय महिला की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1925 का अधिवेशन कानपुर में संपन्न हुआ था? तो याद रखना सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, श्रीमती एनी बेसेंट 1898 में वाराणसी में स्थापित सेंट्रल हिंदू स्कूल को किस महान व्यक्ति ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया? तो आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन का सदस्य नहीं था? तो याद रखिए मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, ठीक है। मौलाना सिबली नुमामी थे, नवाब मुसीन उल मुल्क थे, सर सैयद अहमद खान थे। क्वेश्चन नंबर 44, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली बार किसी अंग्रेज की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन संपन्न हुआ? तो याद रखना 44 का हमारा होगा डी, इलाहाबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, सुमलित करना है कांग्रेस अधिवेशन स्थान और अध्यक्ष, तो इसमें 45 का होगा हमारा बी, क्या होगा 45 का बी, इलाहाबाद 1888 में जो इलाहाबाद हुआ जॉर्ज हिल, और 1899 लखनऊ ये हुआ था रमेश चंद दत्त के, और 1905 का वाराणसी ये हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले, और 1910 इलाहाबाद विलियम बिडरमन, 1910 का विलियम बिडरमन, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इलाहाबाद जॉर्ज यूल, लखनऊ रमेश चंद, वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले, इलाहाबाद विलियम बिडरमन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया? तो याद रखना है आपको 46 में होगा हमारा ए, 1856। 47 क्वेश्चन, कालपी में 1857 ईस्वी की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो याद रखना 47 में सी, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस स्वतंत्रता संग्राम में योगदान नहीं दिया? तो याद रखना 48 में होगा बी, राजीव गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा ने दिया है लेकिन राजीव गांधी ने नहीं। 49, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 1951 को। क्वेश्चन नंबर 50, काकोरी कांड कब हुआ? तो याद रखना 25। चलिए तो ये था हमारा स्वतंत्रता संग्राम में योगदान उत्तर प्रदेश का। आगे बात करेंगे हम लोग भौगोलिक स्वरूप के बारे में, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप को देखेंगे हम लोग, ठीक है।